सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा चिखलीगर गैंगना मुख्य आरोपी सोहम सिंह बच्चन सिंह बोर्ड की धरपकड़ की है। आ आरोपी तेना अन्य साथी मित्रों द्वारा अहमदनगर महाराष्ट्र खाते थी इको कार की चोरी करी थी। त्यारबाद ज्वेलर की दुकान में 40 लाख सोना चांदी दागीना तेमज रोकड़ा रूपया की लूट कर फरार थई गयो हतो। सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा चिखलीगर गैंगना कुख्यात आरोपी सोहम सिंह बच्चन सिंह बोर्ड की धरपकड़ करी छी। आ आरोपी तेना अन्य साथी मित्रों द्वारा अहमदनगर महाराष्ट्र खाते थी इको कार की चोरी करी थी। त्यारबाद ज्वेलर्स की दुकान में 40 लाख सोना दागीना तेमज रोकड़ा रूपया की लूट कर फरार थई गयो हतो। मुख्य आरोपी छेल्ला घणा समय थी नास्तो फरतो हतो अने आरोपी सूरत में होय तेवी चोक्कस बातमी आधारे सूरत क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा शहर भेजता आवास पांजरापोल नजीक की धरपकड़ कराई थी। आरोपी की पूछपरछ में जाणवा मळ्युं हतुं के आश्रे एकाद महीना पहला तेणे आ लूट करी हती। कुख्यात आरोपी सोहम सिंह बच्चन सिंह बर्ड गैंग विरुद्ध में अहमदनगर सिटी कोतवाली पोलिस स्टेशन में आईपीसी कलम 395, 457, 380, 427, 411 गुनो नोंधायो हतो। हाल पोलीसे तेने धरपकड़ करी तेना अन्य साथी मित्रों की शोधखोळ हाथ लागी छे। सूरत शहर में जे अगाउ चोरीओना गुनाओं में जे आरोपीओ पकड़ायेला छे एना मूवमेंट उपर नजर राखवा माटे ए लोको हाल में शू कामधंधा करे छे, एनी मूवमेंट शू छे, आ बधा एनी एक्टिविटी शू छे, आ बधा उपर ध्यान राखवा माटे मेहरबान पोलिस कमिश्नर साहेब, एडिशनल पोलिस कमिश्नर श्री शरद सिंघल साहेब द्वारा क्राइम ब्रांचने खास सूचना आपवामां आवी हती। एमने लईने क्राइम ब्रांचनी अलग अलग जे टीमों छे ए अगाउ जे चोरी करवामां पकड़ायेला ईसमो उपर वॉच राखती हती। आ दरमियान पीएसआई डीएम राठौड अने एमनी टीमने एक स्पष्ट अने चोक्कस बातमी मळे छे के एकाद महीना पहला अहमदनगरना महाराष्ट्रना अहमदनगर खाते वर्मा ज्वेलरी शॉप आवेल छे त्यां एक चोरी की घटना बने छे अने ए जे चोरी की घटना बने छे एनी अंदर 40 लाख उपरना केश सोना चांदीना दागीना मळी अने 40 लाख उपरनी घरफोड़ थई छे अने एमां जे आरोपी संडोवायेल छे एनुं नाम छे सोहम सिंह उर्फे सोन सिंह भोड। ए हालनी अंदर भेस्तान खाते आवेलो छे। આવી સ્પષ્ટ અને ચોક્કસ બાતમીના આધારે પીએસઆઈ ડીએમ રાઠોડ અને એમની ટીમ એમને પકડી પાડે છે। એને પૂછપરછની અંદર એ જણાવે છે કે એનો જે એક બીજો મિત્ર છે અનમોલસિંહ એ તથા અન્ય સાગરીતો આ લોકો મહારાષ્ટ્રની હદમાંથી એક ઇકો ગાડીની ચોરી કરે છે અને એ ઇકો ગાડીને એનો યુઝ કરી અને અહમદનગર ખાતે જઈ અને આ વર્મા જ્વેલરી શોપ છે ત્યાં એ લોકોના શટર તોડી અને ચોરીને ગુનાને અંજામ આપે છે। હાલમાં અમને અટક કરી લેવામાં આવેલ છે અને અહમદનગર પોલીસને હેન્ડઓવર કરવામાં આવેલ છે। હાલમાં તો એ પ્રાઇમરી ઇન્ટ્રોગેશન થયું છે અને પ્રાઇમરી ઇન્ટ્રોગેશનના આધારે એમને હેન્ડઓવર કરી દેવામાં આવ્યો છે। એ બહુ ભણેલો નથી અને એનો ગુનાહિત ઇતિહાસ છે એ ચેક કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે।